केवटी थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करो, केवटी थाना अध्यक्ष शरम करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। अब रविदास जाति के बेटा को अपहरण करके और उसको लाश को गाड़ दिया गया है और ना ही उसका अभी तक सही से FIR किया गया है, ना ही अपराधी बरामद है, ना लाश बरामद है, और 6 महीना प्लस हो गया है। और केवटी थाना अध्यक्ष इतना बड़ा घूसखोर और भ्रष्ट है कि मोटा रकम लेकर, जो कि शेड्यूल कास्ट का मामला है, इसमें SC ST तक नहीं लगा है, ना ही मर्डर केस का कोई धारा लगा। जात को देखकर भेदभाव, जात को देखकर छुआछूत, जात को देखकर मर्डर करना, जात को देखकर रेप करना, बिहार में तो सीमा चरण पा रहे भाई, लाखों डाटा हमारे पास है। पनिशमेंट ऑफ निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत FIR करने का प्रावधान है ना, तो उन्होंने गलती किया तो उन पर FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए धारा 4 के तहत। केवटी थाना अंतर्गत एक मामला है, वहाँ पे रविदास जाति के बेटा को अपहरण करके और उसको लाश को गाड़ दिया गया है और ना ही उसका अभी तक सही से FIR किया गया है, ना ही अपराधी बरामद है, ना लाश बरामद है, और 6 महीना प्लस हो गया है। और केवटी थाना अध्यक्ष इतना बड़ा घूसखोर और भ्रष्ट है कि मोटा रकम लेकर, जो कि शेड्यूल कास्ट का मामला है, इसमें SC ST तक नहीं लगा है, ना ही मर्डर केस का कोई धारा लगाए हैं। मैं यहाँ SSP साहब जल्ला रेड्डी सर हैं, हम उनके पास गुहार लगाने आए हैं, मेरा समस्या को सुन ले और वैसे वैसे थाना अध्यक्ष जो गलती किया उस पर FIR करे और हमको न्याय दे, हम जाने को तैयार हैं। कितने दिन पहले का मामला है? 4 महीना प्लस मामला हो गया। अच्छा। जो कि SC ST में नियम है कि 60 दिन के अंदर आरोप पत्र समर्पित करने का नियम है, ना ही अभी तक लाश बरामद है, ना ही अभी तक अपराधी बरामद है। इसलिए यहाँ के जल्ला रेड्डी सर के हम नाम सुने कि ईमानदार है और दबंग और न्याय प्रिय है, जल्ला रेड्डी सर हमारा समस्या को सुने, हमको न्याय दे और हमको कुछ नहीं चाहिए। आपसे शिकायत किसी है सर? शिकायत केवटी थाना अध्यक्ष वहाँ पर जो बैठे हुए हैं बोल तो रहे हैं कि इसमें साफ लिखा कि मेरा बेटा को मार के गाड़ दिया गया है, और वो क्या कि ना मर्डर केस की धारा लगा है, ना ही SC ST लगा है, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? नहीं, हत्या होती है तो उस पर जो धाराएं हो तो लगती ही है। तो नहीं लगा है भाई, देख लीजिए ना FIR का हम नकल भी लेके आए हैं, देख लीजिए कहाँ लगा हुआ धारा लगा हुआ है, जो कि इसमें साफ लिखा हुआ कि मैं हरिजन समाज से बिलोंग करता हूँ। इसमें साफ लिखा कि फलना जादू मेरा बेटा को मार के गाड़ दिया है, तो अब क्या चाहिए SC ST लगाने के लिए? अभी तो इसमें SC ST क्यों नहीं लगा? वो चमार जाति से आते हैं इसीलिए उनको SC ST नहीं लगाया गया है। तो जात को देखकर भेदभाव, जात को देखकर छुआछूत, जात को देखकर मर्डर करना, जात को देखकर रेप करना, बिहार में तो सीमा चरण पा रहे भाई, लाखों डाटा हमारे पास है। देखिए बोल रहे हैं कानून तो सबके लिए बराबर है, कहाँ बराबर है भाई, 302 कौन लगाएगा, लाश छुपा दिया 201 कौन लगाएगा, SC ST 3 का 2 का भी कौन लगाएगा, कोई धारा लगा हुआ है? देखिए क्या मामला है, देख लीजिए ना सामने, अगर हम लोग गलत है तो हमको जेल भेजे SSP साहब, अब अगर सही है तो फिर थाना अध्यक्ष को जेल भेजे ना। पनिशमेंट ऑफ निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत FIR करने का प्रावधान है ना, तो उन्होंने गलती किया तो उन पर FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए धारा 4 के तहत। थाना अध्यक्ष पर FIR करिएगा। मैं FIR करने आया हूँ और SSP साहब पर मुझे भरोसा है तो हमें न्याय देंगे, उनका बहुत अच्छा सुन। गोल्डन दास जी, आप पटना से चलकर दरभंगा आए हुए न्याय के लिए जी, अभी आपने कहा कि यहाँ के जो SSP ईमानदार है, हाँ, ईमानदार तो क्या लगता है कि ये आपको न्याय देंगे, जो पीड़ित परिवार है? SSP साहब को ये मामला अगर संज्ञान में रहता तो न्याय कब के मिल जाता, लेकिन वो भ्रष्ट थाना अध्यक्ष, जो चोटा, जो घुसखोर थाना अध्यक्ष है, वो SSP साहब को उल्टा सीधा झूठ कन्विंस कर देता था और माइंड वॉश कर देता था, इसलिए SSP साहब को जिला चलाना
अकेले सब जगह संभव नहीं है, थाना क्यों सब जगह खोला गया है? तो कोई झूठ सब जगह यहाँ रिपोर्ट करके और बरगला कर और SSP साहब को जो झांसा में रखा, मैं SSP साहब को सच्चाई दिखाने आया हूँ और सबूत लेकर मैं आया हूँ। अगर मेरा सबूत गलत है तो SSP साहब हमको जेल भेजे, और अगर मेरा सबूत सही है तभी थाना अध्यक्ष को जेल जाना चाहिए। नहीं मिलने का सवाल ही नहीं भाई, मैं जल्ला रेड्डी सर के आज से नहीं, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो सीनियर SSP साहब हैं, साउथ इंडियन के रहने वाले हैं। ये इतना उनके नीचे जो है इतनी बड़ी जो है लापरवाही हो रही है, हत्या हो जाने के बावजूद भी जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। बाकी आप खुद थे यहाँ DSP साहब, SP साहब, आप लोग जाके पूछ लीजिए क्या सच्चाई है। गोल्डन जी, जो नया नियम जो है पुलिस ने जारी किया उसमें तो कई तरीके से धाराएं बदल भी गई हैं भाई साहब। नया धारा 1 अगस्त से लागू हुआ है, ये घटना 4 महीना पहले का है। नया धारा की बात हो तो नया धारा की बात होगा तो नया धारा में सारा याद कर लिया हूँ। तो अभी जिस मुद्दा पर है उस पर सवाल किया जाए, मुद्दा से भटकाया नहीं जाए। DSP साहब खड़ा है, आप लोग पूछ लीजिए कि DSP साहब क्या करना है।